साइला में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का हुआ शुभारंभ। उद्घाटन कबड्डी मैच में सिराना की टीम रही विजेता। साइला कस्बे के खेल मैदान में गुरुवार को ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ समारोह पूर्वक हुआ। समारोह का आयोजन जालौर विधायक जोगेश्वर गर्ग के मुख्य अतिथि व सरपंच रजनी कंवर की अध्यक्षता में हुआ। बतौर विशिष्ट अतिथि के नाते पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल, SDM तारासन वेंकट, तहसीलदार कौशलिया जांगीर, BDO मनमोहन मीणा, क्रीडा परिषद के कोषाध्यक्ष रामाराम, सरपंच संघ के जिला अध्यक्ष भवर सिंह बालावत, सदस्य सुल्तान खान, गोपाल देवासी, CBO भवरलाल, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष वाई सिंह मौजूद थे। प्रतियोगिताओं का विधिवत उद्घाटन अतिथियों के कार्यक्रमों द्वारा हुआ, जिसमें राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलकूद के ध्वजारोहण के बाद सलामी ली। इस अवसर पर विधायक जोगेश्वर गर्ग ने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलें व खेलों से सकारात्मक विचार उत्पन्न होते हैं। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक राज्य सरकार का बड़ा प्रासंगिक कदम है, जिससे सभी को खेल का मौका मिल रहा है। इस दौरान पूर्व विधायक रामलाल मेघवाल ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। अंत में SDM तारासन ने सभी का आभार जताया। मुख्यालय पर ध्वजारोहण के बाद खिलाड़ियों ने शपथ ग्रहण की। इस प्रतियोगिता में 45 ग्राम पंचायतों की 263 टीमों के 2822 खिलाड़ी विभिन्न खेलों में भाग ले रहे हैं। उद्घाटन मैच एलाना व सिराना के बीच खेला गया, जिसमें सिराना की टीम विजेता रही। इस दौरान साक्षरता समन्वयक दुर्ग सिंह तोरा, RP लुम्बाराम, सुरेश कुमार बेनीवाल, पूर्व प्रधान राम प्रकाश चौधरी, मेघ सिंह, बालकृष्ण दवे, जगत सिंह, दुर्ग सिंह, गिरिराज गुर्जर, गुमान सिंह, हीर सिंह सिराना, विक्रम सिंह सिराना, अरविंद पारंगी, दलजीत सिंह, सुरज्ञान कंवर, गौरी कच्छप, संतोष सिद्ध, असलम खां सहित कई जने मौजूद रहे। इस प्रकार से 263 टीमें आज के इस ब्लॉक स्तरीय टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जिसमें 3421 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। जो सलामी मंच से धीरे धीरे कदम तक की घोष के द्वारा गुजर रहे हैं, और आज का उद्घाटन सत्र में हमारे वे सभी अतिथि खिलाड़ियों को सलामी देते हुए